हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू म्यूजिकल वाइब्स। इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं गिटार स्केल्स के बारे में। हम अभी तक कवर कर चुके हैं सी मेजर, डी मेजर, ई मेजर एंड एफ मेजर। मैं चाहता हूं कि एक बार आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए सो दैट आपके पुराने लेसन्स जो हैं रिकॉल हो जाएं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जी मेजर स्केल। तो आइए हम प्ले करना सीखते हैं जी मेजर स्केल ऑन गिटार। सबसे पहले मैं आपको इस स्केल में एक बार रियल टाइम में आपको मैं बजा के सुना देता हूं कि जी मेजर एक्चुअल में साउंड कैसा करता है। ओके, ओके, थोड़ा अगर मैं इसको स्पीड अप करूं तो कैसे साउंड करेगा ये। ओके, इसको प्ले करने के लिए सबसे पहले हम इसके मेजर स्केल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो मेजर स्केल जो जी का है उसमें सारे के सारे आपके नेचुरल नोट्स लगते हैं, जैसे कि सी मेजर में लगते हैं। सिर्फ एक ही शार्प नोट लगता है, दैट इज एफ शार्प। अब ये सर्कल ऑफ फिफ्थ के कॉन्सेप्ट से लगता है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सर्कल ऑफ फिफ्थ के ऊपर। तो जो नोट्स हमारे यूज होंगे वो हैं हमारे जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ शार्प और जी। अब गिटार में इनको कैसे प्ले करेंगे ये। अब गिटार स्ट्रिंग्स के बारे में भी मैं फटाफट से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। 6 स्ट्रिंग्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इनकी नेमिंग्स क्या हैं, ई बी जी डी ए ई। स्क्रीन मैप देख सकते हैं, एक छोटा सा रिवीजन हो गया है। और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप पुराने सारे स्केल्स को रिकॉल कर लीजिए सी डी ई एफ, और उसके बाद उसको कंटिन्यूशन करिए, क्योंकि जितना आप स्केल प्ले करेंगे उतना ही आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी और उतना ही आपकी प्लेइंग स्टाइल आपकी इंप्रूव होगी। तो ठीक है, जी मेजर अगर मुझे प्ले करना है तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो है ये फर्स्ट नोट जो होगा मेरा वो मैं जी पे ओपन हिट करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने जी टू, उसके बाद बी ओपन, देन बी वन, देन बी थ्री, देन ई ओपन, देन ई टू एंड देन जी ई थ्री, सॉरी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हम नोट्स प्ले क्या क्या कर रहे हैं। आपने ये प्ले किया जी, फिर आपने प्ले किया आपने ए, देन बी, उसके बाद सी, देन डी एंड देन ई, उसके बाद एफ शार्प और फिर जी। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आप थोड़ा स्पीड अप करिए, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ाइए इस तरीके से। ठीक है, फिर और स्पीड बढ़ाइए, फिर और स्पीड बढ़ाइए। जब आप इसको बार 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 प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिस करिए, पहले 60 मेट्रोनोम पे करिए, फिर 70, फिर 80, फिर 90, से धीरे धीरे अपनी स्पीड बिल्डअप करिए। और जब आपको लगे कि आप जी से मतलब आगे फॉरवर्ड स्केल में जिस इस तरीके से आप आगे जा रहे हैं, अगर आप फ्लुएंसी अगर आपकी आ गई है तो रिवर्स ऑर्डर में भी आप स्टार्ट कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं जी मेजर स्केल। अब इसी से हम कॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। इसके तीन ट्रायड्स, दैट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ नोट। ठीक है, पहला नोट है जी, थर्ड नोट है आपका बी और फिफ्थ नोट है आपका डी। तो अगर आपने इस तरीके से आपने देखी होगी जी मेजर की शेप, तो ये नोट्स एक्चुअली जो हमने होल्ड करे हैं वो वही ट्रायड्स के नोट हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमने होल्ड किया ई थ्री, ये हो गया हमारा जी नोट, ये हमने होल्ड किया यहाँ पे ए टू, ए टू ये क्या है हमारा बी नोट, एक हमने यहाँ पे होल्ड किया ये क्या है हमारा डी नोट है। ठीक है, और एक हमने ये नोट होल्ड किया है, ये हो गया जी। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर इसमें ये बीच की दो स्ट्रिंग्स तो हमने होल्ड ही नहीं करी। इसमें देखिए, ये ओपन बज रही है जी और ये ओपन बज रही है डी। तो बेसिकली जो आपने शेप बनाई है ये वाली, ये जी मेजर की जो शेप आपने बनाई है, इसमें हर 6 की 6 स्ट्रिंग में या तो जी या फिर बी या फिर डी नोट हिट हो रहा है। ओके, ये हो गया हमारा जी मेजर कॉर्ड। तो इस वीडियो सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा, मैं मेजर के बाद माइनर भी कवर अप करूंगा, उसके बाद और भी गिटार की थ्योरीज लेकर आऊंगा, जैसे कि सर्कल ऑफ फिफ्थ, रिलेटिव मेजर माइनर और बाकी नोटेशन रीडिंग एंड एवरीथिंग। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको अच्छा लगा है मेरा कंटेंट तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आप वो भी बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्लेइंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू।